हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी, वीडियो स्टेबिलिटी के बारे में। तो अगर आप यूट्यूब या फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि कई बार जो वीडियो वो काफी स्मूथ आती है, और आपने कभी कभी सीआईडी फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि जो कई बार रनिंग शॉट होते हैं वो काफी स्मूथ आते हैं। तो आपको कभी ना कभी मन में तो आया होगा कि ये शॉट किस तरह से लिए जाते हैं। तो चलिए आज मैं बताता हूँ आपको ये शॉट किस तरह से लिए जाते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। मतलब वैसे तो इसके लिए काफी गैजेट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास हुई क्रेन हुई जो कि काफी बड़े प्रोजेक्ट के लिए है, और यहाँ पर लगने वाला एक बेल्ट भी आता है जिससे कि आप ये स्मूथ शॉट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए अच्छे बजट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम लो बजट में मोबाइल से कैसे शॉट ले सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे पास आज एक मोबाइल गिम्बल, जी हाँ गिम्बल क्या होता है, तो इसके बारे में हम आज सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो ऑल राइट, हमारे पास जो हमारा गिम्बल है वो आ चुका है। तो देखिए इसकी थोड़ी सी पैकेजिंग के बारे में, ये है डिजिटेक का 3XS गिम्बल स्टेबिलाइजेशन फोर स्मार्टफोन। तो फिलहाल के लिए फटाफट से इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, उसके बाद दूंगा मैं इस पर अपना रिव्यू कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पर कुछ इसके बारे में लिखा है, देखिए कितना, ये पढ़ लेना, ये सब बकवास चीज़ें हैं, मैंने पता। तो ओ ये कुछ प्रेम पत्र इसकी तरफ से, और यहाँ पर बता रखा है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस नहीं देखना बस, और ये काफ़ी स्मूथ सा फेक लग रहा है। ओ वाओ, लुक एट दैट। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूं, मैंने इसको वापस से पैक कर दिया था, जैसे ये आया था वैसे के वैसा पैक कर दिया था इसको मैंने। तो ये देखिए, ये एक ये देखिए काफ़ी प्रीमियम सा जो बैग हमसे मिलता है, देखिए आप इसको है कहीं पे ले जा सकते हैं, मैंने इसको अटैच कर दिया था पहले ही, वैसे ये आता है। और काफ़ी अच्छा यार, मतलब काफ़ी अच्छी सी पैकेजिंग कर रखी है, और ये काफ़ी अच्छा बैग है, मतलब वाटरप्रूफ केसिंग लग रही है मेरे को, वाटरप्रूफ भी है। और ये देखिए यहाँ पर ब्रांडिंग इसकी डिजिटेक, तो काफ़ी अच्छा। चलिए इसको खोलते हैं, और मैंने काफ़ी यूज़ किया इसको, हद से ज़्यादा यूज़ किया है। तो अभी देखते हैं इसको अंदर से कैसा निकल के आता है। रेडी, 1 2 3 गो। वाओ देखिए क्या क्या ही मतलब चीज़ है। पहले इसको साइड में रखते हैं, और ये देखिए इसके साथ एक USB माइक्रो USB डाटा केबल। तो मैं इसको यूज़ नहीं किया आज तक, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चार्जर है, तो मैंने इसको नहीं यूज़ किया है, आप कर सकते हैं। और ये देखिए ये एक मिनी सा ट्राइपॉड, और इसको आप कैसे भी अटैच कर सकते हैं। वैसे अपनी वीडियो को ऐसे बनाने के लिए आप मतलब ग्रिप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास तो वैसे ये भी है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, लेकिन ये है काफ़ी अच्छा है जिसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है अभी। और एक बात बता दूँ कि इसकी बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है, हद से ज़्यादा अच्छी है, मतलब लगभग 2 से 3 दिन चला देता हूँ मैं इसको, वैसे पूरा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। अगर आप पूरे दिन यूज़ करेंगे तो लगभग 2 दिन निकाल देगा आपको ये मतलब मैं बोलता हूँ अच्छे से। और इसमें मोड्स वगैरह भी है काफ़ी अच्छे, तो यहाँ पर देखिए पूरा एक्सेस है, ये जॉयस्टिक है जैसे आप इस तरह से इसको हिला सकते हैं पूरे को, ये पावर बटन और ये मोड, और यहाँ पर है आप वीडियो स्टार्ट और बंद कर सकते हैं, और ये जूम दे रखा है यहाँ पर। तो फटाफट से इसका एक रिव्यू ये हो गया। और इसमें आप पोर्ट्रेट मोड में भी वीडियो शूट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए इसको यहाँ से अगर आप स्क्रू को खोलेंगे ना, तो ये यहाँ से ऐसे हो जाता है, और इससे पोर्ट्रेट में आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हम भाई ज़्यादातर लैंडस्केप में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप बोलेंगे कि ये पोर्ट्रेट में ही है, नहीं भाई ये यहाँ से ओपन होता है, ठीक है यहाँ से ओपन होता है, और बैलेंसिंग करने के बाद आप इसमें है चला सकते हैं। तो फटाफट से इसमें मैं अपना फ़ोन है वो लगा देता हूँ, और फिर दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये काम करता है। तो राइट, मैंने इसको इस पे पेयर कर लिया, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि अगर मैं इसको फटाफट से आगे पीछे भी करूँगा ना फ़ोन से, तो काफ़ी स्टेबल शॉट आपको देखने को मिलेंगे इससे। तो आप ये मतलब देखिए इस तरह से पेयर कर सकते हैं, और मैंने इसका स्पेसिफिक बता दिया आपको कौन सा एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है, और काफ़ी अच्छा इसमें मोड्स भी है। तो अभी ये फॉलो मोड में है, ठीक है, दूसरा मोड में चेंज करता हूँ। मोड चेंज करने के लिए आपको एक यहाँ पर स्पेशल सा बटन दिखाई दे रहा होगा, इससे आप मोड चेंज कर सकते हैं, और आपको एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स है वो दिखाई भी देंगे ऊपर कॉर्नर पर, कौन सा मोड है कौन सा क्या कुछ है। और देखिए अभी ये फॉलो मोड, और मैं इसको चेंज करता हूँ जैसे ही, ये देखिए लॉक मोड, अभी ये लॉक मोड में आ गया है, ये देखिए आप इसको कहाँ भी कहीं पर भी हिला लो ये नहीं हिलेगा, बिल्कुल लॉक मोड में है, और इसके काफ़ी प्रीमियम फीचर है। और एक और करता हूँ, देखिए अभी लॉक मोड, अभी ये आ गया अभी बिल्कुल ही, देखिए कहीं भी नहीं हिल रहा है, लॉक हो गया ये। और
इसका देखिए इसमें सभी चीज आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जो भी एक्सेस आपको दिए हैं। ये देखिए अभी इसको मैं दो बार पे करता हूँ तो ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। वही पोजीशन में लाने के लिए आपको इसको दो बार प्रेस करना है और ये जॉयस्टिक है, इससे आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए हो रहा है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर है ये पावर बटन, इसका भी एक्सेस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको दो बार दबाएंगे ना, दो बार प्रेस करेंगे, तो देखिए दो बार दबा दिया मैंने तो ये देखिए कैमरा चेंज हो गया, फ्रंट कैमरा ऑन हो गया। और इसको तीन बार दबाते हैं, अब ये वीडियो मोड पर, और ये है स्टार्टिंग बटन, तो इसे स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये, आप इसको खरीद सकते हैं, वर्थ इट है। ये मेरे को 6000 का पड़ा था और काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऑप्शन है। जो मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट में बताएं आपके पास ये है या नहीं। आप अगर खरीदना चाहते हो तो बेस्ट बायर लिंक मैं आपको दे दूंगा, या वैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी से ले सकते हो, मैंने अमेजोन से लिया है। अगर आपका बजट है वो कैमरा लेने का नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ शॉट आते हैं। तो और अगर इसका रिव्यू चाहिए आपको तो मेरे को कमेंट में बताएं, तो मैं और इसके रिव्यू है वो डाल दूंगा। और जैसे कि जो सभी मोड है वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो ये बस रिव्यू के लिए मैंने बनाया था। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शूटिंग।